बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और इतना समझ आता है। आज की डेट में क्या ये एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी रही है, ये भी मतलब हमने पब्लिश कर दिया, इसका पेपर भी आ रहा है। तो इसमें क्या है, ये हमारे को ये भी बिल्कुल उधर लद्दाख के बैथोलिथ्स हैं, वहाँ पे मैसिव बैथोलिथ्स हैं जो बहुत, जैसे अब ये बोलते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, इंक्रीज हो रही है या ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज हो रही है, ये मैं बात कर रहा हूँ जो 3000 किलोमीटर का वॉल्केनिक इरप्शन है, ग्रेनाइट इंक्लूजन है, ये इंक्लूड हुई थी तब भी क्लाइमेट इतना चेंज इम्पैक्ट नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट जो आज की डेट में हम छोटा मोटा ये कर रहे हैं इतना नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये ग्रेनाइट्स हैं और आप ये देख रहे हो ये सारे एविडेंसेज हैं ग्लेशियल मूवमेंट के। तो जो लास्ट आई से आई थी, जो लास्ट आई से जब हम इसको कैलकुलेट करते 11,714 साल तक डेटिंग इसकी कर दी है अप्रॉक्सीमेट, जो लास्ट आई से थी उसके बाद हमारी वार्मिंग शुरू हुई है। तो उसमें वार्मिंग में भी क्या होता है, पूरी वार्मिंग नहीं हो रही, वार्मिंग होगी फिर कूलिंग होगी, फिर वार्मिंग होगी कूलिंग होगी, वार्मिंग होगी कूलिंग होगी, ओवरऑल वार्मिंग है लेकिन ये साइकिल है। तो इसमें हमने ये देखिए, ये जो है ऐसे ऐसे करके ये जा रही है, ऐसे 10 साइकिल हमने ढूंढ ली है 11,714 साल से। तो इसमें नेक्स्ट नहीं दिखाऊँ, इसमें क्या होता है कि ये देख रहे हैं आप, ये जो साइकिल है बड़ी रिमार्केबल है, ये जो प्रोट्रूडेंस है इसकी वहाँ पे मतलब ऐसी है, ये कैसे साइकिल्स अगर आप इसको देखोगे तो रॉक में ऐसे नजर आएंगे ये, तो ये दर्शाता है एक सी की तरह है, तो हमने इसको बोला है सी साइकिल। तो क्या होता है यहाँ पे जो है आइस एज है और ये कर्वलीनियरली आपको मूव कर रहा है, तो यहाँ से मूव करते करते ये वार्मिंग आती है, हम इसको बोलते हैं ये आइस एज से वार्मिंग की तरफ जा रहा है, ये वार्मिंग मैक्सिमा है, फिर वार्मिंग मैक्सिमा से होकर ये कूलिंग की तरफ जा रहा है और आइस एज में जा रहा है। तो ये बहुत अच्छे एविडेंसेस फर्स्ट टाइम हमने डॉक्यूमेंट किए हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो है जहाँ पे आपकी प्रोट्रूडेंस है वहाँ पे क्यों आपकी प्रोट्रूडेंस आ रही है और जहाँ पे डिप्रेशन है वो क्यों डिप्रेशन आ रहा है, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है, ये कुछ इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो आपने क्या करना है कि जैसे यहाँ पे जब ग्लोबल कूलिंग होती है तो क्या होगा, जितना भी वाटर मास है आपका वो सारा स्क्वीज अप हो जाता है, स्क्वीज अप होने से क्या होता है कि आपके पास इरोजन और इरोजन ही होगी, वहाँ वो इरोजन होती रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन होगी और इरोजन होती रहती है। तो जितने भी ये स्क्वीज अप रहेगा और ये प्रोट्रूडेंस रहेगी, जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है वार्मिंग में तो क्या होगा, इरोजन ज्यादा हो जाएगी, तो ये डिप्रेशन आ जाते हैं आपके पास। तो ये पूरा का पूरा वार्मिंग फेज आ जाती है, ये कूलिंग फेज आ जाती है। तो ऐसे हमारे को 10 साइकिल्स मिले हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, तो इसमें हमने देखा है कि इसको हमने क्योंकि मैंने ढूंढा है ये, तो हमारा इसको नाम दिया आर्या सी साइकिल और क्लाइमेट चेंज फॉलोज अ कर्वलीनियर पैटर्न। हमने ये नहीं बताया कि वो सीधा जाएगा जैसे हॉकी स्टिक और ये मेलंकोलिक साइकिल और जो अल्गोर वगैरह कर रहे हैं UPICT। इसमें क्या होता है, ये कर्वलीनियर पैटर्न है और आइस एज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वार्मिंग एंड वार्मिंग मैक्सिमम और सब्सिक्वेंटली कल्मिनेटिंग इनटू अगेन आइस एज, सिंपल। तो अब क्या होता है इसमें, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करनी है इसकी, अब हम वार्मिंग में है कूलिंग में है कितने साल की साइकिल है बोल रहे हो, तो पहले क्या होता था एक जियोलॉजिस्ट को या ज्योग्राफी के साथ प्रॉब्लम आ जाती है डेटिंग, तो बोलेंगे तुम तो यार जियोलॉजिस्ट हो, तुम तो मिलियंस ऑफ साल्स की बात करते हो। तो कोपेनहेगन की जब मीटिंग हुई थी या नॉर्वे में हम भी थे, तो वहाँ पे भी ये सब जब ये पैनल डिस्कस कर रहा था सारे बार, तो यू सिट डाउन बिकॉज एट दैट टाइम 2008 की बात थी, तो हमारा क्या था वो ये सब ये बातें कर देते हैं, तुम्हारे इतनी एज है। उसके बाद हमने क्या किया, सिस्टमेटिकली इसको कंसाइज करने की कोशिश की। अब क्या है, इतनी एज है, इतनी हमारे पास आठ कंप्लीट साइकिल है और 2 हाफ साइकिल हैं। तो एक जैसे हमारी एक दिन की लेंथ कितनी होती है, 24 घंटे की, मतलब एक दिन को मान लेते 24 घंटे और वैसे एक साल की 365 दिन है, एक क्लाइमेट चेंज की साइकिल कितनी है, 13,038 साल की, और हाफ साइकिल कितने की होगी, 6,670 अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट, इसमें ऐसे ही ये मूवमेंट होती है, ये मैक्सिमा होता है, यहाँ पे मैक्सिमा आएगा वहाँ पे दोनों आइस एजेस आएंगी। तो इस तरह से एक आप क्लाइमेट साइकिल को डिफाइन कर सकते हैं और इसकी डेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस डेटिंग के बाद क्या किया हमने, जितने भी हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे वो क्या थे कि आपका लोथल की सबमर्जेंस कब हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब डिस्ट्रॉय हुई थी, या आप कह लो लावा मतलब मीडिएवल वार्मिंग कब हुई थी, लिटिल आइस एज कब हुई थी, तो सब ये डॉक्यूमेंटेड हमने हिस्ट्री से फिगर्स लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 2010 के फ्लड्स को हमने माना है ग्लोबल वार्मिंग मैक्सिमा। इसमें और इसमें क्या होता है कि ये जो 1677 में थेम्स रिवर फ्रीज हुई थी
उसको भी एक लिटिल आइस एज बोलते हैं। उसके बाद लावा यूरू में ये वार्मिंग मैक्सिमम बोलते हैं, मेडिवल वार्मिंग। इस तरह से करते करते हमने इसको सारा एक्सट्रपोलेट किया, तो अब क्या है 11,714 साल की हिस्ट्री अब ट्रेस आउट कर सकते हैं, कितनी वार्मिंग आई थी, कहाँ पे कूलिंग आई है, और आगे आने वाले समय में कब वार्मिंग आएगी और कब कूलिंग आएगी। तो अब हम ये इंटरेस्टिंग है, अब हम वार्मिंग की तरफ जाए। अभी ये पहली है कि हम वार्मिंग में कि कूलिंग में। कोई बोल देगा एक पेपर आ जाता है, आज फोटोग्राफ दिखा देंगे, नहीं नहीं वार्मिंग हो रही है। अगली न्यूज आ जाती है, नहीं नहीं कूलिंग हो रही है, नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, सब सही जा रहा है। सब कन्फ्यूजन, क्योंकि उनके पास कोई डाटा ही नहीं आ सकता। हकीकत बात ये कि नेक्स्ट ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, ये थेम्स रिवर फ्रीज हुई है, ये 16-17 हमारे डेटा के साथ बिल्कुल मैच करती है। नेक्स्ट, और ये फ्लड आए थे, लेके जो फ्लड आए थे, मैं भी उस रात को वहीं पे डॉक्यूमेंट था, जितने भी आपने वो न्यूज़ देखी होगी सारी मैंने वीडियोग्राफ की थी, बिकॉज उसको तो ये लग रहा था कि हम भी मरने वाले हैं, तो कोई ना कोई वो टाइटैनिक वाली फीलिंग आ रही थी कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करो सब। बैठे हो कैमरा लेके चले हो, जब मैं कमरे से बाहर निकला, क्या हम मरने वाले हैं तो तुम कैमरा लेके कहाँ निकलो। तो उस टाइम ये सिचुएशन थी, और ये मेरी हालत है क्योंकि मैं फंस गया था वहाँ पे, तो किसी ने मेरे को निकाला तो पेंट मेरी नीचे रह गई। और ये कार और ये बंदे, मतलब इस तरह का बुरा हालत था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनिल भी यहीं पे बैठे, इन्होंने काफी वहाँ पे पहले दिन के चोकलम सर पे वहीं पे थे, इन्होंने काफी वहाँ पे मदद की लोगों की, वहाँ पे निकालने में लाशें, मतलब बुरा हाल था। लेकिन क्या है कि ये वार्मिंग मैक्सिमम हमने इसको डिक्लेयर किया, क्योंकि 3 meters ऑफ क्रस्ट, 3 to 8 meters, ये 3 meter तो ये चोकलम सर में क्रिएटेड है, और 8 meters त्याची जो हमारी एक पूरी बटालियन थी सोए हुए थे वहाँ पे, हॉस्पिटल आया वो पूरे के बराबर, मतलब 28 feet के डेब्रिज में दब गए। और यहाँ पे भी जो हमने लाशें निकाली, डॉक्टर साहब को ये बताया, वहाँ पे खड़े खड़े जैसे लोग तो जो थे ज़्यादा ऐसे मरे हैं, देखो जैसे घर से बाहर निकले हैं अपने, तो उनको ये नहीं पता चलना कैसे उस, क्योंकि हमारे को भी नहीं पता था। हमारे को भी रात को जब चल रहे तो ये अब पानी में तो चल सकते, तो फ्लड आया, ये फ्लड नहीं था बेसिकली, ये फ्लड नहीं था, ये स्लश था, मतलब मड स्लश पूरे का पूरा, जैसे डेब्रिज ट्रांसपोर्टेशन मैंने बात की थी आपको, वो ये था। तो क्या है, आप जब चलोगे इसको पता ही नहीं लग रहा आपको कैसे चलना है। और इतनी हमारे जहाँ पे हम थे नदी के पास थे, सिंधु नदी, लेकिन वहाँ पर डाइवर्जन थी तो हम बच गए, नहीं तो मरना था हमारे को। अगर वो एक वॉल होती, मड़े वॉल ना होती, तो हम भी शायद मर जाते।